गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो आप सबको फाइनली आईआईटी जे एडवांस एग्ज़ाम होने की बहुत सारी बधाइयाँ। मैं जानता हूँ कि ये काफ़ी इंतज़ार भरा रहता है सब लोगों के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, आपके खुद के लिए, आपके टीचर्स के लिए, और देश के सबसे रेप्यूटेटेड एग्ज़ाम्स में से एक है। तो पीयर प्रेशर काफ़ी रहता है और ना चाहते हुए भी बच्चों के दिमाग में कुछ ना कुछ प्रेशर आ जाता है। तो आज का जो पेपर था बच्चों, थोड़ा सा अपन लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं। हम लोग फिजिक्स के सॉल्यूशंस आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। रिलायबल इंस्टीट्यूट हमेशा कोशिश करता है कि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट आपके सामने क्वेश्चंस को लेकर के आए, ताकि आपकी जो क्यूरियोसिटी होती है एग्ज़ाम वाले दिन उसको शांत कर सके, और आने वाले समय में जो बच्चे आईआईटी की तैयारी करेंगे फ्यूचर में, उनको भी कहीं ना कहीं कोई गाइडेंस मिलती है बिकॉज दे आर प्रिपेयरिंग। सो किस चैप्टर पे ज़्यादा उनको फोकस करना चाहिए, किस पे कम करना चाहिए, उन सब बातों के बारे में यहाँ पे चर्चा होगी। एनालिसिस रिपोर्ट हम आपको देंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपके सामने बनाऊंगा, लेकिन बिफोर आई स्टार्ट थोड़ा सा मैं आपको पैटर्न के बारे में बता देता हूँ। इसका जो पेपर वन था, उस पेपर वन में एट क्वेश्चन इंटीजर थे, जिसमें अगर आपने करेक्ट किया है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, और अगर इनकरेक्ट किया है तो उसमें कोई पेनल्टी नहीं है। देयर वर 6 MCQs, ठीक है, एंड 4 मैच द कॉलम्स MTC। यहाँ पे 4 और -2 था, और यहाँ पर जो है 3 और -1 था। पेपर टू का जो पैटर्न था मोर ऑर लेस सेम था, एक्सेप्ट इसमें जो लास्ट में क्वेश्चन थे वो सिंगल करेक्ट थे। सो 8 इंटीजर्स, उसके अलावा 6 MCQ एंड 4 SCQ। दिस इज द डिफरेंस। SCQ के अंदर वही पैटर्न होता है 3 और -1 का, बाकी इधर फिर वही 4 और -2 एंड इधर था इंटीजर। तो ये वाला बिल्कुल सेम और इधर बिल्कुल सेम पैटर्न था। इसमें दो बातें सामने आई हैं। एक पहली बात तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ बच्चों के सामने आई कि उनके कंप्यूटर्स पे कुछ खास हो सकता है सेंटर्स पे, तो कुछ कंप्यूटर्स में जूम आउट हो गया पेपर, बच्चों को ऑप्शन 1 ही दिख रहा था, ऐसा कुछ शिकायतें आई हैं। हालांकि मुझे अभी तक डायरेक्टली किसी ने रिपोर्ट नहीं की है, लेकिन जिस तरह से अभी वायरल हो रहा है, बच्चे कहीं ना कहीं वीडियोज वगैरह में मैं देख रहा हूँ कि जनता बोल रही है कि इस तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम आई है, तो वो अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए बच्चों को जरूर जेई एडवांस का जो कमेटी जेई एडवांस कराती है उसको डेफिनेटली लिखना चाहिए। दूसरी चीज पेपर से रिलेटेड है। पेपर में जो MCQ वाले क्वेश्चंस थे, मेरी इसके बारे में जरूर बच्चों से बात हुई है कि जो फिजिक्स में खास तौर पे MCQ वाले क्वेश्चंस थे थोड़े से ट्रिकी थे। उसमें क्या था कि MCQ के अंदर एक ही सॉल्यूशन, एक ही आंसर करेक्ट आ रहा था कुछ कुछ क्वेश्चंस में, तो कहीं ना कहीं बच्चे का कॉन्फिडेंस जो है वो लूज हो जाता है। बच्चे को लगता है सारे चेक करके देखने पड़ेंगे, 4 ऑप्शन चेक कर रहा है, अल्टीमेटली एक ही ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो लोगों का, बच्चों का जो रुझान था, उन्होंने ये कहा कि 2-3 चीजें हैं फिजिक्स के पेपर से रिलेटेड मुझे बताई। पहली बात, पेपर लेंदी था। दूसरी बात, MCQ थोड़े से ट्रिकी थे। तो ये मेरे ख्याल से 3-4 साल में पहली बार हुआ है। एक 2020 का पेपर भी अच्छा था कि यहाँ पर बच्चे जो है कहीं ना कहीं फिजिक्स के पेपर को लेकर के वो उनका कहना है कि लेंदी था, कैलकुलेशन ज़्यादा थी। पेपर टू के अंदर कोई क्वेश्चन बताया जा रहा है, अभी थोड़ी देर बाद सॉल्यूशन हम आपको प्रेजेंट करेंगे। हमारे पास लगभग 16-17 क्वेश्चन आ चुके हैं, और 16-17 क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम जल्दी लेकर आपके पास आएंगे। तो पेपर टू के अंदर एक क्वेश्चन था जिसके अंदर बताया जा रहा है कि उसमें काफी लेंदी कैलकुलेशंस थी, अभी थोड़ी देर बाद उसका सॉल्यूशन हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, अभी उस क्वेश्चन को रिट्रीव किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बच्चे इस बार फिजिक्स के पेपर को लेकर के फर्स्ट वाले में तो बोले थे कि लेंदी था, सेकेंड वाले में ठीक ठीक था, लेकिन कुछ बच्चों ने ये रिपोर्ट किया कि फर्स्ट पेपर का जो लेंदी नेचर देखा तो उसके बाद उन्होंने सेकंड पेपर में पहले मैथ्स अटेम्प्ट किया फिर फिजिक्स अटेम्प्ट किया। जनरली मैथ्स टफ आती है आईआईटी की, लेकिन एक दो बच्चों का जिनसे मेरी बात हुई अभी खास तौर पे, उन्होंने कहा कि सर हमको तो मैथ्स रिलेटिवली इजी लगी। तो अभी देखते हैं, फिर हम सोल्यूशन आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। लेकिन बच्चों, पेपर चाहे कैसा भी हो,
अल्टीमेटली उसमें कहीं ना कहीं 50 से 60% हम इजी पोर्शन ढूंढ ही लेते हैं, और उस 50 से 60% के ऊपर भी अगर हम फोकस करें तो हमारी एक बहुत अच्छी रैंक आ सकती है। उसके बाद जितनी हमारी कैपेसिटी है उसको उतना ऊपर लेके हम जा सकते हैं। तो ये थे पेपर वन और पेपर टू का एक जनरल ओवरव्यू। मैं आपको और डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा जब हम इसकी पूरी आपको एनालिसिस रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी यहीं से हम शुरुआत करते हैं। अब हम इसके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पेपर में जो क्वेश्चंस हमको मेमोरी बेस मिले उसमें से पहला क्वेश्चन। देखो बच्चों, इसमें दे रखा है कि ये एक सर्किट है एंड यहाँ पे सारे रेजिस्टेंस 1 ओम है एंड देर आर 2 बैटरीज। यू आर सपोज टू कैलकुलेट करंट इन ऑल द ब्रांचेस। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है मुझे नहीं पता, बट जैसा कि बच्चों ने बताया इसमें हर ब्रांच में करंट निकालना था, शायद मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन था ये पेपर वन का, तो स्कोरिंग क्वेश्चन मानता हूं इसको मैं। टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप इसके अंदर केवीएल लगाओगे थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन अगर आप इसमें सिमेट्री का इस्तेमाल करोगे तो रिलेटिवली आसान हो जाएगा। अगर इस पॉइंट का वोल्टेज हम लोग 0 मान लेते हैं और इस पॉइंट का वोल्टेज हम V मान लेते हैं, तो इस पॉइंट का वोल्टेज भी V मान सकते हैं बिकॉज ऑफ सिमेट्री। देयर इज अ सिमेट्री अबाउट दिस लाइन, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, ठीक है। हम लोग चाहे तो KCL लगा सकते हैं यहां पर। इस पॉइंट का वोल्टेज कुछ X मान लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट का वोल्टेज कुछ Y मान लेते हैं और KCL लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहूंगा। मेरा सजेशन है कि हम लोग KCL भी नहीं लगाए इसमें, एक काम करते हैं बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव इक्वल वोल्टेज, ऊपर वाले का नीचे वाले का वोल्टेज सेम है, तो क्यों ना इसको फोल्ड कर दें। तो ये वाला रेजिस्टेंस जब इसके ऊपर आएगा तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, हाफ। ये दोनों मिलके हो जाएंगे हाफ, ये दोनों मिलके हो जाएंगे हाफ। आपका जो सर्किट है वो रिड्यूस हो जाएगा। यू विल बी हैविंग ए 6 वोल्ट बैटरी, देन 1 ओम रेजिस्टेंस, ओके, एंड ये आपका 0 वाला वोल्टेज यहाँ पे हो गया। देन देयर इज अ 12 वोल्ट बैटरी एंड देन 1 ओम रेजिस्टेंस, राइट। अगेन ये और ये दोनों मिलकर के हो जाएंगे हाफ, ठीक है, और यहां पर एक और हाफ, और यहां पर एक और हाफ, एंड दिस वोल्टेज इज वी। अब आप अगर चाहो तो बैटरी कॉम्बिनेशन से इसको सॉल्व कर सकते हो। ये जो दोनों रेजिस्टेंस हैं, ये दोनों रेजिस्टेंस इस एक ब्रांच के रेजिस्टेंस माने जा सकते हैं, एंड यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन द वैल्यू ऑफ वी विच इज 6 डिवाइडेड बाय 1.5। यू कैन कंसिडर दीज टू रेजिस्टेंस एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस बैटरी 6 वोल्ट, ठीक है। इसका पॉजिटिव वाला टर्मिनल इधर कनेक्टेड है, उसका नेगेटिव वाला इधर कनेक्टेड है, सो आई विल राइट -12 डिवाइडेड बाय अगेन 1.5। इन दोनों मिलके 1.5 हो जाएंगे। देयर इज नो बैटरी इन दिस पर्टिकुलर ब्रांच, सो यू कैन अज्यूम 0 वोल्ट बैटरी हियर। सो 0 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 1.5 प्लस 1 अपॉन 1.5 प्लस 1 अपॉन 0.5, ऐसा। ये असल में ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है। सो आई एम गोइंग टू कैलकुलेट ई इक्विवेलेंट बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, दैट इज नथिंग बट वोल्टेज वी। सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। एक काम करता हूं 1.5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, सो ये 1.5 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा -6 बच्चों, नीचे ये 1 1 और इधर आ जाएगा 3, सो दिस इज सिंपली 5, सो दिस विल बी -1.2। इन शॉर्ट आई हैव कैलकुलेटेड दिस वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू दिस, दिस इज -1.2, दिस इज -1.2, ठीक है। ये कैलकुलेट होने के बाद हम इजीली हर ब्रांच का करंट निकाल सकते हैं। जैसे कि ये वाला वोल्टेज मुझे पता चल गया -1.2, तो मैं उस ब्रांच का करंट निकाल सकता हूं। इस ब्रांच का करंट होगा 0 माइनस वी विच इज -1.2 डिवाइड बाय हाफ,
इसका मतलब इस ब्रांच का करंट हो जाएगा बच्चों 2.4। कितना करंट हो जाएगा? 2.4। वो तो वैसे भी आ ही रहा था, यहां से भी निकाल सकते थे आप। इस ब्रांच का करंट हो जाएगा 1.2, यहां का करंट हो जाएगा 1.2। ओके, हम लोग इस वाले ब्रांच का करंट भी निकाल सकते हैं। दिस वोल्टेज इज जीरो, सो दिस वोल्टेज विल बी -12। अगर वो वाला वोल्टेज -12 है, ये वाला वोल्टेज -1.2 है, ऑब्वियसली ये हायर वोल्टेज और लोअर वोल्टेज है, सो आई कैन कैलकुलेट करंट इन दिस ब्रांच एज वेल, विच इज -1.2 +12 डिवाइड बाय, ये दोनों रेजिस्टेंस मिलके कितने हो जाएंगे? 1.5। दिस विल बी माई करंट आई, इस ब्रांच का करंट आई मान लेता हूँ, ठीक है। एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आता है। सो 12 -1.2, 12 में से एक गया तो ये हो जाएगा 10.8 डिवाइड बाय 1.5, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट गया। सो इट इज 108 डिवाइड बाय 15, ठीक है, 7.2 एम्पेयर करंट आएगा। इसका मतलब इस ब्रांच का करंट हो गया 7.2। एक्चुअली ये दोनों ब्रांच कंबाइन होके करंट आया 7.2, इसका मतलब इसका और इसका मिला के 7.2, और करंट जो है ना इधर से जा रहा है, इसका मतलब यहां से करंट निकाल सकते हैं हम लोग 3.6, और यहां से भी आ जाएगा बच्चों 3.6, बिकॉज यहां से 1.2 आ रहा है, यहां से 3.6 जा रहा है। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि 1.2 और 3.6 इधर से करंट आ रहा होगा 2.4, तो इसका मतलब यह है कि सिमेट्रिकली इधर से भी करंट आ रहा होगा 2.4 और 1.2 मिलके क्या बन जाएंगे? 3.6। करंट जो है, मैंने डायरेक्शन गलत तो नहीं बना दी, इधर से उधर जा रहा है, तो यहां पे करंट जो है उधर की तरफ जा रहा है। अब आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करने में लगभग 4 मिनट 5 मिनट का टाइम लग गया, तो एग्जाम में बच्चे को भी लगभग इतना समय लगा होगा। कुछ बच्चों ने इसको पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक से कर दिया, यहाँ का वोल्टेज कुछ मान लिया, यहाँ का कुछ मान लिया, उसके बाद उन वोल्टेजेस को कैलकुलेट कर लिया, वो भी एक करेक्ट मेथड है, ठीक है। कुछ बच्चों ने केवीएल लगा के कर दिया, वो भी एक करेक्ट मेथड है। ऑब्वियस सी बात है, सिमेट्री से आप यहाँ यहाँ का करंट सेम मान सकते हो, तो अगर यहाँ का करंट एक्स है तो यहाँ का भी एक्स होगा, यहाँ का वाई है तो यहाँ का भी वाई होगा, यहाँ का जेड है तो यहाँ का भी जेड होगा, तो अल्टीमेटली विल बी हैविंग ओनली 3 वेरिएबल्स। तो मेरा सजेशन ये है कि या तो ऐसा करा जाए या फिर केवीएल लगा के इसको किया जाए, दोनों ही मेथड दोनों ही केसेस में जो है ये मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जस्ट अ मोमेंट। यस, सो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने बनाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। अब अभी ये नहीं पता कि पेपर 1 का है या पेपर 2 का है। यू हैव ए कैपेसिटर एंड देन यू हैव एन इंडक्टर कॉइल एंड देन यू हैव ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हियर। दैट मैग्नेटिक फील्ड इज समथिंग लाइक दिस, बी इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट प्लस बीटा टाइम्स टी, बीटा वॉज गिवन टू यू एंड द एरिया ऑफ द लूप इज गिवन टू यू, एरिया ऑफ द लूप इज गिवन टू, ठीक है। देखो ऐसा है कि अगर हम टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करेंगे, जैसे आप देख पा रहे हो कि टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो इसके अंदर जो इंड्यूस एफ आएगा दैट विल बी -d∅/dt मोड, और आप अगर इसको एरिया से मल्टीप्लाई करके इसका फ्लक्स निकालते हो तो इसका फ्लक्स आ जाएगा एरिया इंटू दिस, ऑब्वियस सी बात है, और उसको डिफरेंशिएट करोगे तो a टाइम्स बीटा। सो यू हैव अ बैटरी ऑफ कॉन्स्टेंट EMF, एक तरह से इसके अंदर इंड्यूस EMF जो आएगा कॉन्स्टेंट है, अंदर की तरफ का फ्लक्स बढ़ रहा है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग उसकी उल्टी डायरेक्शन में EMF E का सोर्स लगा सकते हैं। क्वेश्चन क्या था, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। यू आर गिवन दिस काइंड ऑफ लूप विच इज हैविंग एरिया 1 मीटर स्क्वायर एज पर रिपोर्टेड बाय द स्टूडेंट। यू हैव इंडक्टेंस ऑफ 0.1 हेनरी एंड यू हैव कैपेसिटेंस 1 मिली फेरेड
1 mF, yes. Capacitance is 10⁻³. Okay, and you have area is equal to 1 m², and beta was given to you, it is 0.4 Tesla per second. You are supposed to calculate maximum current in this branch. अब देखो बच्चों, इसके अंदर हम लोग जब केवीएल लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है केवीएल लगाएंगे, इसके अंदर यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इसके अंदर अगर करंट बढ़ रहा होगा टाइम के साथ तो एक इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पे आएगा और उसके बाद यहाँ प्लस और यहाँ माइनस चार्ज, इस तरह से कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा. तो हम केवीएल लगाएं, यहाँ से वहां गए तो -LdIdt दैट इज इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस द इंडक्टर कॉइल. देन कैपेसिटर से उधर गए तो कैपेसिटर के अक्रॉस ये वोल्टेज आएगा एंड दिस इज इक्वल टू जीरो. जिस मोमेंट पर आपको करंट, आपका क्वेश्चन क्या है, यू हैव टू कैलकुलेट मैक्सिमम करंट. अब ये क्वेश्चन जो ईएमआई का क्वेश्चन है, इसको मैं बोल सकता हूँ ये इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में है और थोड़ा सा लेंदी भी नहीं है, ठीक है. तो जब मैक्सिमम करंट होगा तो बच्चों DI/DT कितना होगा, जीरो. सो एट दैट मोमेंट यू विल बी एबल टू कैलकुलेट चार्ज, चार्ज विल बी इक्वल टू सी टाइम्स ई. इसका मतलब उस समय पर कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज होगा हमने पता कर लिया. अगर कैपेसिटर में इतना चार्ज है, इसका मतलब बैटरी ने कितना वर्क किया होगा, ई टाइम्स सी टाइम्स ई. दिस वर्क मस्ट हैव बीन डन बाय दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ, या वो सोर्स जो उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्रोड्यूस करा रहा है उसने इतनी एनर्जी सप्लाई करी, उसमें से कितनी एनर्जी इकट्ठी हो गई, हाफ सी टाइम्स ई स्क्वायर इकट्ठी हो गई. क्यों इकट्ठी हो गई, क्योंकि कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सीई डिवाइड बाय सी है, तो इतनी एनर्जी उसमें इकट्ठी हो गई. तो उस टाइम पर अगर हम करंट जानना चाह रहे हैं तो हम निकाल सकते हैं हाफ एल आई स्क्वायर, दिस इज टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, दिस इज वर्क डन बाय द बैटरी, रेजिस्टेंस इसमें देने रखा, इसका मतलब जो भी आप एनर्जी दोगे सारी सारी स्टोर हो जाएगी. थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं. सो आई कैन राइट हाफ सी स्क्वायर, हाफ से आप कट जाएगा, सी टाइम्स ई स्क्वायर इज इक्वल टू एल आई स्क्वायर, ठीक है. और आपका आई का वैल्यू चाहिए आपको, तो इट विल बी आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सी टाइम्स ई स्क्वायर इज इक्वल टू एल आई स्क्वायर. सो आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सी डिवाइड बाय एल टाइम्स ई. व्हाट इज ई, ई टाइम्स बीटा. सी दे रखा है आपको, एल दे रखा है आपको, ठीक है, एरिया दे रखा है, बीटा दे रखा है, आप इजीली करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दिस वाज माय क्वेश्चन नंबर 2.